मैं हूं आपके साथ सपना दारू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पोर्ट्स आर्ट पर। भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के प्रदर्शन का इंतजार पेरिस ओलंपिक 2024 में हर कोई कर रहा है। साल 2020 टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर भारतीय खेल जगत में एक नई ऊंचाई को छूने वाले नीरज चोपड़ा को लेकर लोग उनके बारे में और जानना चाहते हैं। ऐसे में हर कोई उनके साथ साथ उनके भाले के बारे में भी लोग जानना चाह रहे हैं। तो ऐसे में आज हम नीरज चोपड़ा के पेरिस ओलंपिक में शेड्यूल से लेकर उनके उस भाले के वजन और उसके प्राइस को जानेंगे, जिससे नीरज चोपड़ा आज पूरी दुनिया में अपना नाम का परचम लहरा रहे हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि नीरज चोपड़ा पेरिस ओलंपिक 2024 में हमें कब एक्शन में दिखेंगे। नीरज चोपड़ा अपना नाम जेवलिन थ्रो में इतनी ऊंचाइयों पर लेकर गए हैं कि आज पूरा भारत उनसे गोल्ड मेडल की उम्मीद लगाए हुए है और जल्द से जल्द उन्हें खेलते हुए देखना चाहते हैं। और अब वो दिन भी ज्यादा दूर नहीं है जब नीरज चोपड़ा 140 करोड़ देशवासियों का सपना लेकर मैदान में उतरेंगे। 6 अगस्त को दोपहर 1:50 में नीरज चोपड़ा ग्रुप ए के क्वालिफिकेशन राउंड में उतरेंगे और अगर वहां वो क्वालिफिकेशन राउंड के लिए क्वालिफाई करते हैं तो नीरज चोपड़ा फाइनल मुकाबला 8 अगस्त को खेलते हुए दिखाई देंगे। वहीं बात करें भाले को लेकर, तो जिस भाले का उपयोग नीरज चोपड़ा टूर्नामेंट में करते हैं उसकी क्राइटेरिया अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स संघ द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, जिसमें पुरुषों के भाले का वजन लगभग 800 ग्राम होता है और इसकी लंबाई 2.6 मीटर से लेकर 2.7 मीटर के बीच होती है। और महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं के भाले का वजन 600 ग्राम और उसकी लंबाई 2.2 से लेकर 2.3 मीटर तक होती है। और जिस भाले से नीरज चोपड़ा खेलते हैं उसे खास तरीके से तैयार किया जाता है, जिस वजह से उनकी कीमत और बढ़ जाती है, यानी कि उनके भाले की कीमत 70,000 से लेकर 1,50,000 रुपए के बीच होती है। इसमें कार्बन फाइबर और एल्यूमिनियम जैसी सामग्री ऐड की जाती है जो भाले को मजबूत और हल्का बनाती है और इससे भाले को दूर तक फेंकने में आसानी होती है। कार्बन फाइबर का उपयोग भाले को अधिक स्थिर और टिकाऊ बनाया जाता है और जबकि एल्यूमिनियम इसे हल्का और लचीला बनाता है। आपको बता दें साल 2021 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ई नीलामी में शामिल स्मृति चिन्हों में नीरज चोपड़ा का भाला भी शामिल था और साल 2022 में BCCI यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने नीरज चोपड़ा के इस भाले को 1.5 करोड़ रुपए में खरीदा था। वैसे आमतौर पर भाले की कीमत की बात करें तो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन स्टोर में भाले की कीमत 800 रुपए से लेकर 90,000 रुपए तक है और कई जगहों पर इसकी कीमत लाखों में भी है। नीरज चोपड़ा ने अपने इस करियर में कई उपलब्धियां हासिल की है। साल 2016 की वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और ये उनकी पहली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सफलता थी। इसके बाद नीरज चोपड़ा ने साल 2018 के एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी गोल्ड मेडल हासिल किया और उसके बाद नीरज ने सबसे बड़ी उपलब्धि साल 2020 टोक्यो ओलंपिक में हासिल किया, जब उन्होंने वहां भी स्वर्ण पदक जीता और इतिहास रचा। यही वजह है कि आज हर कोई उनसे मेडल की उम्मीद कर रहा है और उन्हें खेलते हुए देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा है। वैसे आपका नीरज चोपड़ा को लेकर क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स आर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोज को लाइक और शेयर करना ना भूलें।